Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. गाइस हम आए हैं आज कोटा सेवन वंडर घूमने, है ना। और ये आपको दिखाऊंगा आज, है ना, न्यू ईयर है आज, 1 जनवरी 2019। देखो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा जो भी चीज़ है, सारी चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो भीड़ कितनी है, रात हो गई है फिर भी मतलब अच्छी भीड़ है ना। और यहाँ घूमने का असली मज़ा रात में ही है। वो था गेट, एंट्री गेट, यहाँ से टिकट काउंटर था, 10 रुपये इसके टिकट काउंटर की प्राइस थे टिकट की। जब भी कोटा आते हो एक बार घूमने आओ, है ना। सेवन वंडर बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा घूमने वाले। मैंने हमेशा इसको मिस किया सेवन वंडर को। भाई पीड़ा गड्डी मैंने हमेशा इसको मिस किया यार। जब भी कोटा रहते थे मन नहीं लगता था, मैं आ जाता था यहाँ घूमने के लिए, है ना। अंधेरा लग रहा पूरा है। इसकी अलग YouTube वीडियो और एडिटिंग का अलग आती है। भाई नज़ारा देखो, क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का। पेरिस एफिल टावर दिख रहे, पीसा की झुकी मीनार। तो रात हो गई है, बोटिंग बंद हो चुकी है क्योंकि हम लोग शाम को आए दिन में और घूम के कहीं और आए। शाम में आते ना और मजा आता अपने। ये सेल्फी पॉइंट है, ये अजूबे नहीं है, बट हाँ हर जगह ना फोटो खिंचवाने के लिए आपके पास अच्छे अच्छे बना के रखे मतलब फोटोज पॉइंट, जहाँ पे फोटो खिंचवाऊंगा। ये देखो मेरे शुभम भाई बैठ गए हैं, थक गए हैं पूरे क्योंकि भर दिन हमने आज घुमा है ना भाई। 14 घंटे से घुमा रहा है। 14 घंटे से घुमा रहा हूँ। कितने घंटे से घूम रहे भाई? 14 घंटे मेरे साथ रहोगे ना घूमने का तो
पक्का किसी की फट जाती है भाई, बहुत घूमता है। ये भाई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी डमी, एवरीथिंग इज डमी। हाँ या नोट सही, हाँ दिखा रहा हूँ। पढ़ता कौन है आज के टाइम पे? बस भाई लोग पढ़ लेते हैं। तो भाई सभी भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ना, अब भी आओ घूमो फोटो खिंचवाओ। ये रहे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ये मिस्टर श्रवण कुमार मेहता। देखो अभी तक हम लोगों ने कितना कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 हम लोगों ने कवर कर लिया, 7 अजूबे में नहीं 4 कवर किया यार, एक तो हावड़ा ब्रिज को नहीं जोड़ते हैं। अब मिलेगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पीसा की झुकी मीनार। ये देखो पीसा की झुकी मीनार थोड़ा सा झुकी हुई लग रही होगी, आप लोग वीडियो में देख रहे होगे है ना। भाई कोटा सिटी में भी बहुत सारा चीज घूमने वाला, क्या सब है घूमने वाला बताओ सब, तुम तो कोटा से हो जैसे कि बताओ। फर्स्ट तो यही सेवन वंडर। हाँ सेवन वंडर फेमस यही हो रहा है अभी। हाँ सेवन वंडर के एसटी है। यहाँ का बोटिंग बहुत मस्त है, बीच में एक टेंपल है जहाँ पे एक मूवी शूटिंग हुई थी ना, कौन सा? यही तो है वो जग मंदिर बीच में। हाँ कौन सा मूवी, कौन सा शूटिंग हुई थी? बद्री की दुल्हनिया। हाँ जब वो आई थी आलिया भट्ट और वरुण धवन, तो हम लोग यही थे शूटिंग के दौरान, शायद अपन लोग मार्केट जा रहे थे पता है ना, जाम लगी थी, हम लोग देखे थे शूटिंग के दौरान है ना, जब वो लोग थे आलिया भट्ट और वरुण धवन आए थे, तो यहीं पे शूटिंग हुई है। बहुत अच्छा जगह है, आप आओ घूमो, जब भी कोटा आओ मिस मत करना घूमने से। बहुत अच्छी जगह, गरड़िया महादेव है और भी देखो बताता हूँ, चंबल गार्डन है मेरे हिसाब से, चंबल चंबल डैम है, गरड़िया महादेव है, हवेड़ा महल है, गेपरनाथ सबसे फेमस गेपरनाथ, जाओ महादेव। गेपरनाथ तू गया है? हाँ गया हूँ। पर भाई गेपरनाथ बहुत मस्त एक अजूबा है, यूनिक चीज है, टानेश्वर है, बहुत सारी चीजें, खंडर है ना भाई, खंडर मेनली किला टाइप और मंदिर टाइप जगह है। हाँ और आज हम लोग कहाँ गए थे? गणेश उद्यान। गणेश उद्यान गार्डन है। हाँ बोटेनिकल गार्डन की तरह ही है, मतलब अच्छा पौधे नए नए और है। उनके बोटेनिकल नाम होती लगी होती है ना बैनर के साथ, उसकी भी वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो अपन लोड करेंगे है ना, फर्स्ट वीडियो तो वही होगी। ये देखो भैया फोटो खिंचवा रहे, अपने हाथ को डाल दिया पेरिस एफिल टावर के ऊपर। ये रहे पेरिस एफिल टावर, डमी यहाँ हर चीज डमी मिलेगी है ना, सेवन वंडर। कोई नहीं, बस हम लोग सेकेंड लास्ट पे पहुंच गए हैं, यहाँ से फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को देखो, सीन कर लो, अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो, मैं एक बिगनर हूँ है ना, तो सपोर्ट करो प्लीज़ यार। अभी नहीं पता चल रहा लेकिन बाद में पता चलेगा। पेरिस एफिल टावर कुछ पता भी नहीं चल रहा यार, सॉरी यार, कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि दिखाओ। ये देखो पेरिस टावर, सारे एक ही कतार में है। और इधर आओगे गाइस तो ये तो एक फाउंटेन है जो बंद है पड़ा हुआ है ना, और इधर आप ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर सकते हो है ना, जब घूमोगे आप लोग यहाँ आओगे तो दिखा दे रहा हूँ मैं है ना, लास्ट में सबसे एंड में है। और यहाँ से ख़त्म हो जाती है 7 अजूबे की, तो गाइस ब्लॉग को करते हैं हम अब यहीं पे एंड है ना। नज़ारा बहुत शानदार है, बहुत शानदार, जब आप दिन में आओगे ना बोटिंग वगैरह करोगे ना और मज़े आएंगे, बोटिंग करते हुए देखोगे है ना, बीच में एक मंदिर है पानियों के बीच में, वहाँ जाओगे बोटिंग से तो उसके प्राइस अलग अलग है, तो मैं ये नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं शाम को आया हूँ है ना। तो बाय बाय गाइस है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दस्तीदानियाँ।